आरा शहर के कतरिया मोहल्ला स्थित ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल का 33वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन समाजसेवी सह मेयर प्रतिनिधि प्रेम पंकज उर्फ ललन, डिप्टी मेयर प्रतिनिधि सरोज सिंह और विद्यालय के निदेशक देवेश चंद्र श्यामवेदी ने संयुक्त रूप से किया। आगत अतिथियों का स्वागत मोमेंटो, बुके और शॉल देकर स्कूल परिवार के द्वारा किया गया। स्वागत भाषण देते हुए निदेशक देवेश चंद्र श्यामवेदी ने कहा कि हमारा विद्यालय 33 सालों से आरा के बच्चों को अनुशासन के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहा है। आज इस विद्यालय के बच्चे सरकारी गैर सरकारी सेवा में नाम कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। यही कारण है कि 3 दशक से भी अधिक समय से ज्ञान भारती ज्ञान और शिक्षा की विश्वसनीय संस्थान है। मेयर प्रतिनिधि प्रेम पंकज उर्फ ललन ने कहा कि ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल आरा के एक नामचीन स्कूलों में से एक है। इस विद्यालय के बच्चों की प्रतिभा काबिले तारीफ है। मैं स्कूल के निदेशक और बच्चों सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को अपनी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। डिप्टी मेयर प्रतिनिधि सरोज सिंह ने कहा कि देवेश जी 33 सालों से आरा के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जो एक मिसाल है। इस विद्यालय के बच्चों की प्रतिभा देश विदेश में आरा का नाम रोशन करेगी, ऐसा मैं यकीन के साथ कहता हूं। कार्यक्रम में टैलेंट सर्च, साइंस एग्जीबिशन समेत अलग अलग इवेंट में सफल होने वाले बच्चों को भी मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। करीब 6 घंटे तक चले आयोजन में स्कूल के छात्र और छात्राओं ने एकल नृत्य, समूह नृत्य, गायन, वादन के साथ साथ नाटक का भी मंचन किया। इस दौरान काफ़ी संख्या में अभिभावक भी मौजूद रहे। छोटे छोटे बच्चों के परफॉर्मेंस को लोगों ने खूब सराहा। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के निदेशक देवेश चंद्र श्यामवेदी ने किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय के शिक्षक और कर्मियों का सराहनीय योगदान रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम निदेशक भरत सत्यम, संगीत निर्देशन कुमार नरेंद्र, डांस कोरियोग्राफर में शशि सागर बब्बू, निशांत कुमार दीपू की भूमिका रही। नाम ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल कतिरा आरा में अवस्थित है। मैं इस स्कूल का संचालक हूँ। स्कूल का 33वां वर्ष उत्सव हम लोग मना रहे हैं, जिसमें सभी देते हैं ताकि इतने बढ़ चढ़ कर बच्चों ने भाग लिया। बच्चों के अलावे हमारे जो भी अभिभावक हैं, अभिभावक का भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा है, जिसके चलते कोरोना काल से लेकर अभी तक की जो स्कूल की स्थिति रही, आज हमारा स्कूल में भी बच्चे की उपस्थिति उतना ही है और अभिभावक लोग का भी काफ़ी सहयोग रहा, खासकर आप लोगों का, आपको पत्रकार बंधुओं और मीडिया वाले जितने भी हैं उनको भी हम काफ़ी स्वागत करते हैं। सर, छोटे छोटे बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जी, बहुत बहुत लगन, इतनी मेहनत बच्चे किए हैं। आज 1 मंथ से बच्चों का प्रैक्टिस चल रहा है, 1 मंथ में बच्चे इतने बढ़िया प्रैक्टिस किए हैं, जो सामने आपको दिखाई पड़ रहा है। किस क्लास से बच्चे लोग? नर्सरी से लेकर क्लास 9 तक, छोटे वाले बच्चे का, नर्सरी का भी बच्चे भाग लिए हैं, 1 का भी भाग लिए हैं, 2 का भी भाग लिए हैं, खासकर लड़कियों का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। तो ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल का क्या आज के दिन संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश देना चाहते हैं कि सबका सहयोग हमको मिलता रहे, हम बच्चों का सेवा करते रहें, हम पैसा कमाने के ध्येय से नहीं, मेरा एक ही ध्येय है कि बच्चों का अच्छा से अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा क्वालिटी हम दें, और पैसा नहीं। आज पैसा कमाते तो हम भी बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा करते, लेकिन मैं पैसा कमाने के ध्येय से नहीं, शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे शिक्षक भी बहुत कोऑपरेट करते हैं और उसी का परिणाम है कि बेहतर लोग शिक्षा ले रहे हैं। परिचय, मेरा नाम कुमार देवेश चंद्र सामेदी है, मैं इस स्कूल का निदेशक हूँ।
इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभिभावक गण, हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी को हम इस मंच से चंदन वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं सभी अपने मीडिया भाइयों का। आज यहाँ उपस्थित है स्कूल के इस वार्षिकोत्सव में अनेकों इस तरह के कार्यक्रम में जाता हूँ, देखता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, जो ऐसे ऐसे आज जो मंच मिलता है स्कूल के माध्यम से, वो मंच हम लोग के समय नहीं मिला करता था। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ जो अनुभव की बात है। बस अनुभव की बात ये है कि मैं आ रहा था अपने गांव समस्तीपुर से, हसनपुर रोड गांव है, संजोग से ऐसा ही संजोग था। दूसरों शिक्षक दिवस था।